नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कोरोना संक्रमित हुई 92 वर्षीय गायिका लता मंगेशकर, आईसीयू में चल रहा है इलाज। देश में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के ग्राफ में अब महान गायिका लता मंगेशकर भी शामिल हो गई हैं। मशहूर गायिका लता मंगेशकर को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण ही पाए गए हैं, लेकिन उनकी उम्र 90 साल के ऊपर है, इसलिए एहतियात के तौर पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के कैंडी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने बताया कि लता मंगेशकर को उम्र संबंधी भी समस्याएं हैं, जिसका इलाज हो रहा है। उनकी भतीजी रचना ने कहा है कि हमारी निजता का सम्मान करिए और उनके लिए प्रार्थना करिए। इससे पहले लता मंगेशकर नवंबर 2019 में निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी। जानकारी के मुताबिक 92 साल की गायिका को साल 2019 में नवंबर महीने में सांस लेने में तकलीफ हुई थी, तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि सेहत में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें कि उस समय भी देश कोविड से जूझ रहा था। लता मंगेशकर पिछले साल सितंबर में अपना 92वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए हर तरफ से शुभकामनाएं आई थी। लता जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वो अक्सर अपने फैंस के लिए पुरानी तस्वीरें और दिलचस्प किस्से शेयर करती नजर आती हैं। लता मंगेशकर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न का भी पुरस्कार उन्हें दिया गया था 2001 में। तो आप भी लता मंगेशकर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ कीजिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।